हेलो दोस्तों, माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, मैं इरफान मलिक और ये है मेरे पास में टीवीएस रेडियोन BS6। लेकिन इस गाड़ी को BS4 में कन्वर्ट किया हुआ है। इस गाड़ी के अंदर कार्बोरेटर लगाया हुआ है, लेकिन तब भी इसमें मेरे सामने से आई है, एक मैकेनिक रहते हैं यहाँ पे, उनके पास से आई है। उन्होंने फ्यूल टैंक इसका उतारा था किसी कारण, तो इसमें अब करंट नहीं आ रहा है दोस्तों। अब इसमें देखते हैं हम करंट क्यों नहीं आ रहा है। कार्बोरेटर भी दिखाऊंगा इसका कि कार्बोरेटर कहाँ लगा हुआ है इसका, किस तरीके से, मतलब सभी सेंसर इसमें लगे हुए हैं। करंट आप देख सकते हो, करंट नहीं आ रहा है इस कंडीशन में इस गाड़ी के अंदर फिलहाल। फ्यूल टैंक उतारने की वजह से पता नहीं उन्होंने क्या किया होगा। मैं दिखाता हूँ आपको इधर से, तो इस गाड़ी के अंदर फ्यूल पंप भी लगा हुआ है, लेकिन उन्होंने पेट्रोल टी इस गाड़ी के अंदर वेल्डिंग करके लगाई है। आप देख सकते हो पेट्रोल टी वेल्डिंग करके लगाई हुई है। थ्रोटल बॉडी हटा दी है उन लोगों ने और उसकी जगह कार्बोरेटर लगा दिया है। बाकी सारी चीजें इसकी लगी हुई है, सेंसर वगैरह भी लगे हुए हैं इसके। और जो करंट नहीं आ रहा था दोस्तों, उसका कारण यह है कि इस बंदे ने फ्यूल पंप का इसका कपलर नहीं लगाया है। ये फ्यूल पंप का कपलर है, इसको लगाना ये भूल गया होगा भाई, इसको नहीं लगाया है। और जब तक इसका फ्यूल पंप का कपलर नहीं लगा होगा, तब तक इस गाड़ी के अंदर BS6 के अंदर करंट नहीं आता है। और बहुत सी गाड़ी ऐसी होती है BS6 जिसके अंदर अगर इंजेक्टर का कपलर नहीं लगा रहता है, तो उस गाड़ी के अंदर भी करंट नहीं आता है। कपलर लगाने के बाद आपको दो तीन बार चाबी को ऑन ऑफ करना है, क्योंकि दो तीन बार चाबी को ऑन ऑफ करने से हमारे इश्यू को पता लग जाएगा कि हाँ हमारा कपलर लग चुका है। तो ये इंजेक्टर इसका लगा छोड़ रखा है इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि अगर इंजेक्टर निकाला जाएगा तब भी गाड़ी के अंदर करंट नहीं आएगा, कार्बोरेटर लगा दिया है। हमारा ऑटो सेंसर भी इसके अंदर लगा हुआ है, इंजन टेम्परेचर सेंसर भी इसके अंदर लगा हुआ है। थ्रोटल बॉडी में जो दो सेंसर लगे हुए रहते हैं, उन सेंसरों को उसने हटा दिया है, उसके कपलर खुले छोड़ दिए। तो अब देखना तुम इसमें करंट आ जाएगा दोस्तों। आपके साथ भी अगर इस तरह की समस्या हो कि बाई चांस आपने फ्यूल टैंक वगैरह उतारा हो और करंट नहीं आ रहा हो, तो एक बारी आप फ्यूल टैंक यानी फ्यूल का कपलर चेक कर ले, फ्यूल पंप का कपलर चेक करे, इंजेक्टर का कपलर चेक करे और अपनी एसटी कॉइल वगैरह का भी कपलर उस कंडीशन में आप चेक कर ले। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट में बताएं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।